कवर्धा से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से विजय शर्मा मंगलवार को पहली बार कवर्धा पहुंचे। बाईपास रोड से लेकर धर्मध्वज चौक तक रैली निकाली गई। इस दौरान विजय शर्मा ने मंत्री मोहम्मद अकबर पर जमकर निशाना साधा। कहा पिछले 5 साल से बाहरी लोग आकर बस रहे हैं। कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर की सरकार बनाएंगे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कवर्धा विधानसभा की भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी का घोषणा कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं भाजपा कार्यालय कवर्धा में, जहां पर मेरे साथ मौजूद है भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, जो कि कवर्धा विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं। क्या कुछ प्राथमिकताएँ रहेंगी और 60,000 किस तरीके से आप बांटेंगे? 60,000 जो वोट मिला था उस समय जिससे जीते थे मोहम्मद अकबर, वो तो झूठ के पुलिंदे के आधार पर चुनाव किया था कांग्रेस ने, इसलिए कवर्धा की जनता ने जो त्रासदी झेली है विगत 5 वर्षों में, भय का माहौल रहा है। लेकिन अकबर कहते हैं कि नाम बताओ, पता बताओ, हम कार्रवाई करेंगे, एक एक को निकाला जाएगा। क्या यूपी के तर्ज पर यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है यदि भाजपा सत्ता में आती है? संदेह होने वाला है, भाजपा सत्ता में आएगी तो बुलडोजर सरकार बनेगी और उस समय कानून की धज्जियाँ उड़ाने वालों के साथ वही होगा जो आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हम नजीर मानकर चलेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार। तो यह थे कवर्धा प्रत्याशी विजय शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यूपी में जिस तरीके से बुलडोजर की सरकार चलती है, उसी तरीके से कवर्धा और कवर्धा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर की सरकार बनाई जाएगी। कवर्धा से IBC 24 के लिए सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।